एक्चुअल क्या है कि इस मामले में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि रेवाड़ी में झोटा गैंग के नाम से कुछ बच्चों ने गैंग बनाई हुई है और एक पुरानी आलू गैंग के नाम से कुछ लड़कों की जो गैंग है, इन दोनों गैंगों में आपस में पुरानी दुश्मनी भी चली हुई है। तो उस चीज़ को लेकर के ही कल दोनों गैंगों में इनमें एक झड़प हुई है, झड़प भी क्या क्रॉस फायरिंग हुई है। उस क्रॉस फायरिंग में 5-6 लड़के इंजर्ड हुए हैं, एक साइड से एक लड़का इंजर्ड हुआ है जो आलू गैंग से संबंध रखता है और दूसरी साइड से 5 लड़के जो इंजर्ड हुए हैं जो झोटा गैंग से संबंध रखते हैं। तो इस मामले में अभी कुछ लड़कों को हमने अभी राउंड अप किया है, उनसे पूछताछ चल रही है, तो सच्चाई क्या निकल के आती है वो अभी मैं आपको शाम तक क्लियर करूँगा। वारदात की जो वजह है वो तो पुरानी दुश्मनी और पुरानी रंजिश जो चली आ रही है उसी की वजह से ये मामला हुआ है। इनमें एक इंजर्ड है जो राजेश नाम का लड़का है, इसके भाई को पहले ये सुनील जो लड़का था आलू का चाचा का लड़का जो है भाई है, उसने उसका मर्डर कर दिया था, तब से इन लोगों की आपस में दुश्मनी चली आ रही है। तो घायलों में दोनों गैंग के लोग हैं? घायल में दोनों साइड से घायल हैं, एक साइड से एक लड़का घायल है, एक साइड से 4-5 लड़के घायल हैं। झोटा खुद मौजूद था सर वारदात में? अभी तक तो यही चीज़ सामने आ रही है कि झोटा खुद मोटरसाइकिल पर चल के आया था। राउंड कितने राउंड फायरिंग हुई सर? और बताया जा रहा है चाकू से भी हमला हुआ है? चाकू भी लगे हुए हैं, विक्की नाम का जो लड़का है दारूवाड़ा का रहने वाला है उसको चाकू लगे हुए हैं, गोली भी लगी हुई है और मुझे लगता है कि 10 राउंड कम से कम 10-11 राउंड फायर हुआ है। तो अभी आरोपियों की धरपकड़ के लिए? आरोपियों की धरपकड़ के लिए हमने 3 टीम बना दी हैं, एक CIA की टीम है, SHO सिटी की टीम है और एक जो हमारी जगनगेट चौकी है उसकी टीम है। तो घायल सर अस्पताल में भर्ती है, उनको भी कस्टडी में? हाँ, जो घायल हैं जो हॉस्पिटल में हैं उनके ऊपर भी हमने अपनी निगरानी लगाई हुई है, जैसे ही वो बयान देने के काबिल होंगे तो उन लोगों से पूछताछ की जाएगी और अगर वो मुलजिम हैं, शामिल हैं वारदातों में एक दूसरे के खिलाफ, तो अरेस्ट किए जाएंगे।